Hello students, and once again welcome back to my channel. Today we are going to discuss nature of small business. ये जो particular आपका subject है entrepreneurship and small business, ये दो part में divide है, entrepreneurship and small business. तो हम unit 4 हमने start करा है और unit 4 का ये part 2 है. इसके previous वाले lecture में हमने discussion किया कि small business का डेफिनेशन, उसका मीनिंग, उसके इम्पॉर्टेंस और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स. अगर आपने वो वीडियो, वो लेक्चर मिस कर दिया है तो उसके जस्ट प्रीवियस वाला लेक्चर वो आप वहाँ से देख लेना. अभी तक हमने स्मॉल बिजनेस के बारे में काफ़ी चीज़ें पढ़ा, डेफिनेशन देखा कि किस तरीके से प्रोडक्टिव आप कोई भी काम शुरू कर सकते हो, छोटे लेवल से आप किस तरीके से मैन्युफैक्चर कर सकते हो, कैसे आप प्रोडक्ट्स को सेल करोगे, कंज्यूमर की नीड्स को कैसे सेटिस्फाई करने के लिए आप प्रोडक्ट्स को मार्केट में लेके आओगे. देखो गाइस, बिजनेस का एक रेगुलर प्रोसेस होता है, एक रेगुलर नेचर होता है, एक रेगुलर प्रकृति होती है, जो आज का हमारा टॉपिक है. तो वो जो रेगुलर प्रोसेस होता है वो ये होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट को अर्न करो. आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट को कब अर्न करोगे, जब आप कस्टमर की, कंज्यूमर की नीड्स को सेटिस्फाई कर पाओगे. और आप उनकी नीड्स को कैसे सेटिस्फाई करोगे, जो उनको चाहिए वो उनको दे करके. भाई आप किसी की नीड्स को तो तभी सेटिस्फाई कर सकते हो ना, जब उनकी जो उनकी रिक्वायरमेंट है, जो उनकी नीड है, आप उसको पूरा कर दो. आप उस नीड को पूरा करने के लिए क्या करते हो, गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग करते हो या प्रोडक्ट्स की रीसेलिंग करते हो या आप सर्विसेज उनको प्रोवाइड करते हो या आप तीनों ही चीज़ें कंबाइंड वे में करते हो. तो ये हर एक बिजनेस का नेचर होता है. क्या नेचर होता है कि प्रॉफिट को अर्न करना आपका बिजनेस का नेचर होगा. और प्रॉफिट को अर्न आप तभी कर सकोगे जब आपने कंज्यूमर की नीड्स को सेटिस्फाई किया हुआ है. कंज्यूमर की नीड कभी सेटिस्फाई होएगा, जब आप गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग करोगे, जब आप प्रोडक्ट्स की रीसेलिंग करोगे. मतलब आपने एक प्रोडक्ट बना तो दिया बट आप उनकी रीसेलिंग, सेलिंग पे सेलिंग, अगेन एंड अगेन वो आपसे बाय करेंगे. तो इट मीन्स कि उनकी जो नीड है वो सेटिस्फाई हो रही है. या अगर आप उनको कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो या आप ये तीनों ही चीज़ें एक साथ कर रहे हो, तो क्या होता है कि आपके जो कंज्यूमर हैं वो आपसे जुड़े रहते हैं लंबे समय के लिए. और हर एक बिजनेस का एक जो बोलते हो, बोल सकते हो आप, एक बेसिक, एक बहुत ही बेस, बहुत ही बेयर, मतलब ये होता है, कॉमन होता है नेचर कि प्रॉफिट को उनको अर्न करना होता है. कोई भी काम आप शुरू करते हो ऑब्वियसली प्रॉफिट को अर्न करने के लिए ही तो करते हो. यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट्स आपको विजिबल हो रहे होंगे, ये कुछ पॉइंट्स मैंने लिस्ट करे हैं जिससे कि आपको ये पता चलेगा कि जो स्मॉल बिजनेस होते हैं उनकी क्या नेचर होती है, उनकी क्या प्रकृति होती है, उसका क्या स्वरूप होता है. देखो कोई भी बिजनेस जो होता है वो एक रेगुलर प्रोसेस होता है, रेगुलर प्रोसेस होता है. फिर अभी हम इसको डिटेल में डिस्कशन करेंगे आगे के स्लाइड्स में, पहले हम इसको पॉइंट वाइज देख लेते हैं. सो रेगुलर प्रोसेस है, दूसरा है एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, तीसरा है यूटिलिटी को क्रिएट करता है, दैट्स व्हाई इट क्रिएट्स यूटिलिटी. फोर्थ वन इज़ की कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है बिजनेस के लिए. देन फिफ्थ वन इज़ डील्स इन गुड्स एंड सर्विसेज. ऑब्वियसली आप कोई भी बिजनेस करोगे तो वो दो ही तरीके से आप बिजनेस कर सकते हो. प्रोडक्ट्स दो ही तरीके के होते हैं, या तो गुड्स के फॉर्म में होते हैं या तो वो सर्विसेज के फॉर्म में होते हैं. देन है आपका रिस्क. किसी भी बिजनेस में ना आप रिस्क लोगे ही लोगे, बिना रिस्क के आप कोई काम कभी भी कर नहीं सकते, चाहे वो छोटा वेंचर हो चाहे वो बड़ा बिजनेस हो. देन नेक्स्ट वन इज़ की प्रॉफिट अर्निंग मोटिव. ऑब्वियसली अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो तो आप फ्री फंड के लिए तो कर नहीं रहे हो. अगर आप फ्री फंड के लिए करते हो तो आप कोई एनजीओ या सोशल सर्विस कर रहे होते, तो आपका एक जो मोटिव होता है, आपका जो एक नेचर होता है, वो प्रॉफिट को अर्न करने का भी होता है. देन नेक्स्ट वन इज़ की सेटिस्फाइंग कंज्यूमर नीड्स. ऑब्वियसली आप कंज्यूमर की नीड्स को, उपभोक्ता की ज़रूरत को, उपभोक्ता के नीड को सेटिस्फाई करना चाहते हो. और इसमें दो लोग इन्वॉल्व होते हैं, बायर होता है और सेलर होता है, और कुछ सोशल ऑब्लिगेशंस भी होते हैं. अब ये तो आपको समझ में आ गया कि ये बिजनेस का नेचर है, ये आप एकदम रट लो. एग्जामिनेशन में अगर आपको बिजनेस, स्मॉल बिजनेस से रिलेटेड लॉन्ग में क्वेश्चन पूछता है या शॉर्ट में क्वेश्चन पूछता है, तो आप इन पर्टिकुलर पॉइंट्स को कई तरीके से यूज़ कर सकते हो. ना सिर्फ नेचर ऑफ बिजनेस की तरह से आप इन पॉइंट्स को वहाँ मेंशन कर सकते हो, आप इसे एज अ इम्पॉर्टेंस या एज अ कैरेक्टरिस्टिक्स या एज अ फीचर के रूप में भी इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए इन पॉइंट्स को यूज़ कर सकते हो. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इनको आपको मेमोराइज कर लेना है.
गाइस अगर आप ये लेक्चर ले रहे हो, आई विल रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ कीप पेन एंड कॉपी विथ योर सेल्फ, क्योंकि मैं जो भी एक्सप्लेनेशन देती हूँ उसके साथ में आपको एग्जाम्पल्स देती हूँ, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स, तो ताकि वो सारे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स आप रिलेट कर सको और उसको पेन डाउन कर सको, इसलिए हमेशा अपने पास में ये दो चीज़ें ज़रूर रखना, ओके? एंड ट्राई टू मेक नोट्स ऑफ एवरी कॉन्टेंट विच आई एम गोना गिव यू और प्रोवाइड यू, जो भी मैं यहाँ पे दे रही हूँ आपको, डू नॉट मिस इट, ओके? सो लेट्स मूव ऑन एक्सप्लेनेशन. सो द वेरी फर्स्ट वन इज़ अ रेगुलर प्रोसेस. इसका रेगुलर प्रोसेस क्या है? ये एक ऐसी एक्टिविटी है जो कि रेपिटेडली आपको परफॉर्म करनी है, रेपिटेडली करनी है, इसलिए रेगुलर प्रोसेस. ऐसा नहीं है कि अगर आपने एक महीने बिजनेस किया, आपने प्रॉफिट अर्न किया, तो नेक्स्ट मंथ आप आइडियल नहीं बैठ सकते हो. आपको रिपीटेटिव मोड में अपने बिजनेस को एक्टिव करने के लिए, वो ताकि आपका बिजनेस भी एक्टिव रहे एंड प्रॉफिट भी आपका जनरेट होता रहे, इसलिए ये एक रेगुलर प्रोसेस है, नॉन स्टॉप प्रोसेस है. नेक्स्ट वन इसकी इकोनॉमिक एक्टिविटी. इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब क्या? इकोनॉमिक का मतलब होता है आर्थिक से रिलेटेड. आर्थिक का मतलब हो गया अर्थ से रिलेटेड. अर्थ को इकोनॉमिक्स में बोलते हैं क्या? मॉनेटरी टर्म्स से रिलेट करते हैं. तो आपके बिजनेस का जो सोल पर्पस होता है वो होता है अपनी वेल्थ को मैक्सिमाइज करना, अपनी प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, अपने को इकोनॉमिकली स्ट्रांग बनाना, अपनी वेल्थ को ज़्यादा से ज़्यादा आप प्लस में करो, ज़्यादा से ज़्यादा उसको आप मैक्सिमाइज करो. ये आपका क्या होता है? होल सोल पर्पस होता है. देन थर्ड वन इज क्रिएट यूटिलिटी. यूटिलिटी देखो तीन तरीके की होती है, चाहे आप गुड्स दे रहे हो या चाहे आप सर्विस दे रहे हो. तीन तरीके की यूटिलिटी होती है. एक होती है फॉर्म यूटिलिटी, दूसरी होती है टाइम यूटिलिटी एंड थर्ड वन इज प्लेस यूटिलिटी. अब ये क्या है? फॉर्म यूटिलिटी का मतलब ये है कि जब आप किसी भी प्रोडक्ट को कंज्यूमेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हो, आपने प्रोडक्ट बनाया तो सही बट आप क्या प्रोडक्ट अगर कंज्यूम किसी इस्तेमाल का नहीं है तो कोई उसको परचेज नहीं करने वाला है. तो उसकी यूटिलिटी को आप क्रिएट कर रहे हो, मतलब उसकी महत्ता को आप, उसको सामने वाला कब यूटिलाइज करेगा, क्यों यूटिलाइज करेगा, तो उसकी उसको यूटिलाइज करने के लिए आप उसको कंज्यूमेबल फॉर्म में आप क्या कर रहे हो, कन्वर्ट कर रहे हो. दूसरा है टाइम की यूटिलिटी. आप ऐसे गुड्स एंड ऐसे सर्विसेज को आप बना रहे हो जो ज़रूरत पे जिसका इस्तेमाल किया जा सके. फॉर एन एग्जाम्पल, आप अगर देख रहे होगे कि आईटी सेल में बहुत सारे ऐसे न्यू न्यू एप्लीकेशन बन रहे हैं, फॉर एन एग्जाम्पल ओला हो गया, उबर हो गया, जोमेटो हो गया, तो ये सारे क्या कर रहे हैं, आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं. जब आपको खाने की ज़रूरत है, उन्होंने आपने क्या किया, जोमेटो से ऑर्डर कर लिया, ओला से आपने अपनी कार को बुक कर लिया, राइड बुक कर ली, आपने उसको यूज़ कर लिया, तो जब आपको ज़रूरत है तो आपने उस सर्विस का इस्तेमाल किया. तो टाइम यूटिलिटी गाइज, ये टाइम यूटिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. थर्ड वन इज प्लेस यूटिलिटी. प्लेस यूटिलिटी क्या है कि जब भी आपको गुड्स या सर्विसेज चाहिए, वेन एवर इट इज़ रिक्वायर्ड, कंज्यूमर उसको एक्सेस कर सके. जो सामान आपको चाहिए वो सामान अगर आपको नहीं मिलेगा तो आप पहले तो उस ब्रांड को छोड़ दोगे, दोबारा आप कभी भी उस ब्रांड के कोई भी सामान को फ्यूचर में खरीदना नहीं पसंद करोगे, राइट? तो आप वही सामान लेना चाहते हो जिसकी यूटिलिटी, मतलब जो आपके प्लेस पर आसपास ईजिली अवेलेबल हो जाए. फिर फोर्थ वन इज कैपिटल रिक्वायरमेंट. यहाँ पे फोर्थ पॉइंट होगा या फिफ्थ पॉइंट होगा, ओके? सो प्लीज़ इसको करेक्ट कर लेना. सो कैपिटल रिक्वायरमेंट, देखो कोई भी वेंचर अगर आप स्टार्ट करते हो, वेंचर का मतलब होता है साहस, वेंचर का मतलब होता है बिजनेस, वेंचर का मतलब होता है व्यापार. तो हर व्यापार को शुरू करने के लिए फंड की रिक्वायरमेंट होती है, डिपेंडिंग कि आपका बिजनेस आप छोटे में शुरू कर रहे हो, बड़े में शुरू कर रहे हो, तो उसमें कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है. ये हर एक बिजनेस की प्रकृति होती है. फिफ्थ वन इज की डील्स इन गुड एंड सर्विस. ऑब्वियसली आप किसी भी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग करोगे, आप कुछ भी ऑफर कर रहे हो कस्टमर को, तो या तो फिर आप गुड्स ही ऑफर करोगे या आप कोई सर्विस को केटर करोगे. केटर का मतलब होता है सौंपना, ऑफर करना, देना सामने वाले को, है ना? लाइक आपने सुना होगा केटरिंग सर्विसेज. सो इट मींस कि यू आर ऑफरिंग समथिंग, ऑफरिंग अ काइंड ऑफ सर्विस टू योर कंज्यूमर, टू योर कस्टमर, राइट? सो डील्स इन गुड्स एंड सर्विसेज, डेफिनेटली कोई भी आप बिजनेस कर रहे हो तो आप या तो गुड्स बना रहे हो या आप सर्विसेज उनको दे रहे हो. सर्विसेज लाइक व्हेनेवर यू आर टेकिंग सर्विस फ्रॉम लॉयर, फ्रॉम एनी डॉक्टर, फ्रॉम टीचर, लाइक अभी मैं आपको क्या कर रही हूँ, आई एम प्रोवाइडिंग अ काइंड ऑफ सर्विस, ये भी एक तरीके की सर्विस है. एंड देन देर आर सो मेनी अदर एग्जाम्पल लाइक प्रोफेसर, लाइक प्रोफेसर एंड टीचर इज सेम बाय द वे. सो ऐसे बहुत सारे सर्विसेज होते हैं, जैसे आप सलून जाते हो या दैट मीन्स की पार्लर में आप जाते हो तो वहाँ पर भी आप सर्विसेज को लेते हो. इन रेस्टोरेंट वेन एवर यू गो, सो यू यूज टू टेक द सर्विस फ्रॉम द वेटर्स एंड फ्रॉम रिसेप्शनिस्ट एंड वट हुम सो एवर इज प्रेजेंटेड ओवर देम. सो इट्स काइंड ऑफ सर्विसेज जो आप लेते हो.
देन द नेक्स्ट इज अ रिस्क. देखो हर एक बिजनेस में रिस्क फैक्टर होता है. कोई भी काम अगर आप करने के लिए मार्केट में आए हो तो वहाँ पे आपको फेलियर्स मिलेंगे, लॉस मिलेंगे, प्रॉफिट होएगा, अनसर्टेनिटीज होंगी ही होंगी. यू कैन नॉट एस्केप योरसेल्फ फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स. दिस इज अ बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट कि आप कोई भी बिजनेस, बड़ा बिजनेस मीन्स बड़ा रिस्क. सिंपल रिस्क फैक्टर हर जगह होता है. एंड सिर्फ बिजनेस में ही नहीं गाइज, आप लाइफ में कोई भी काम कर लो, कोई भी छोटा बड़ा काम, तो वहाँ पे रिस्क होता ही होता है. तो स्मॉल बिजनेस का ये एक पॉइंट है. देखो मैंने आपको क्या बोला कि आप ये सारे जो 10 पॉइंट हैं इनको मेमोराइज कर लो, इनको आप कहीं भी लिख सकते हो. एंटरप्रेन्योरशिप से या स्मॉल बिजनेस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप इन पॉइंट्स को कहीं भी फिट कर सकते हो, इसलिए इनको याद रख लेना. सेवेंथ वन इज़ की प्रॉफिट अर्निंग मोटिव. ऑब्वियसली जो भी इनिशियल बिजनेसमैन का मोटिव होता है वो प्रॉफिट को अर्न करना होता है अपने वेंचर से. वेंचर का मतलब होता है साहस, वेंचर का मतलब होता है बिजनेस, व्यापार से. देन एट वन इज़ की सेटिस्फैक्शन ऑफ कंज्यूमर नीड. डेफिनेटली आप कंज्यूमर की नीड को फुलफिल कर रहे हो. जो भी कंज्यूमर डिमांड कर रहा है या जो भी कंज्यूमर की रिक्वायरमेंट है, जो भी उनकी नीड है, आप उनकी डिमांड को, नीड को फुलफिल कर रहे हो. ये बहुत इंपॉर्टेंट नेचर है. नाइन्थ वन इज़ की स्मॉल बिजनेस में बायर एंड सेलर इन्वॉल्व होते हैं. स्मॉल नहीं, किसी भी बिजनेस में बायर एंड सेलर इन्वॉल्व होते हैं. ये टू मेजर पार्टीज होती हैं, लाइक कस्टमर्स एंड द मर्चेंडाइज. सो एक कस्टमर होता है मतलब कि उपभोक्ता, मतलब कंज्यूमर इज उपभोक्ता, कस्टमर मीन्स ग्राहक, जो भी होता है ग्राहक, और मर्चेंडाइज मतलब कि जो भी व्यापारी है वो इन्वॉल्व होता है, जो सामान को बना रहा है और जो सामान को इस्तेमाल कर रहा है. दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट टू पार्टीज़ हैं. लास्ट वन इसके सोशल ऑब्लिगेशन. तो सोशल ऑब्लिगेशन का मतलब ये कि भाई आपकी अपनी खुद की भी कोई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं इंडिविजुअल लेवल पे. इंडिविजुअल लेवल पे अगर आप एक सोसाइटी का पार्ट हो तो आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है सोसाइटी के लिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को प्रोवाइड कर सकूँ. आप ऐसे प्रोडक्ट्स को लेके आओ जो लाइसेंस प्रोडक्ट हैं. आप CSR मतलब आप CSR वगैरह कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बोलते हैं CSR फंड्स. तो ये इस तरीके की फंड्स जो होते हैं, मतलब कि आपकी जो सोसाइटी की कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए कुछ एक्शन होते हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड रिक्वायर्ड. तो आप इस तरीके की जॉब अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह डेवलप करके बिजनेस को छोटा स्टार्ट करोगे. फिर बिजनेस जब आप करोगे तो आप लोगों को नौकरियाँ पे रखोगे, लोगों के रोज़गार बढ़ेंगे, उनकी आमदनी बढ़ेगी. तो एक तरीके का आप अपना कॉन्ट्रीब्यूशन सोसाइटी में भी दे रहे हो, लोगों के वेलफेयर के लिए भी दे रहे हो. तो ये कुछ नेचर है, इंपॉर्टेंट नेचर है बिजनेस के, स्मॉल बिजनेस के. तो आई थिंक कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा कि नेचर ऑफ स्मॉल बिजनेस किस तरीके से काम करता है. गाइज ट्रस्ट मी, ये 8-10 पॉइंट जो मैंने आपको बताए हैं इनको अच्छे से रट लेना. थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर. इसके बाद हम स्मॉल बिजनेस के नेक्स्ट टॉपिक पे जंप करेंगे. अगर वीडियो अच्छा लगा, लेक्चर अच्छा लगा तो उसको लाइक करना. चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो गाइज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना.